शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर्स बोर्ड पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया की शुरुआत 5 फरवरी से हो रही है। दोनों ही टीमें क्वारंटीन पूरा कर मैदान पर प्रैक्टिस कर रही हैं। दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी। पहला और दूसरा टेस्ट चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं तीसरा और चौथा टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंग्लैंड के उन 5 खिलाड़ियों की जो टीम इंडिया को सीरीज में परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की। रूट के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि वो अपने करियर का 100वां टेस्ट खेलने चेन्नई में उतरेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका में रन बनाए हैं उससे यह तो साफ है कि जो रूट टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में इतनी आसानी से अपना विकेट नहीं देंगे। श्रीलंका में खेले 2 टेस्ट मैचों में जो रूट ने 106.50 की एवरेज से 426 रन बनाए, जिसमें एक डबल हंड्रेड और एक शतक शामिल है। अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर रूट दोनों ही मैचों में मैन ऑफ द मैच बने और सीरीज के अंत में मैन ऑफ द सीरीज का सम्मान भी उनके हक में रहा। वहीं अगर बात करें रूट के भारत में प्रदर्शन की, तो रूट ने साल 2012 में भारत के खिलाफ नागपुर में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक उन्होंने भारत में 6 टेस्ट खेले हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 53.09 की औसत से निकले हैं 584 रन, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की। वैसे तो टेस्ट क्रिकेट में इस खिलाड़ी का नाम ही काफी है, पर इंडिया में स्टोक्स का अभी बेस्ट देना बाकी है। 2016 में स्टोक्स ने टीम इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेले थे। इस दौरान उनके बल्ले से 38.33 की औसत से निकले 345 रन, जिसमें एक शतक शामिल है। वहीं बात करें गेंदबाजी की, तो स्टोक्स ने 5 मैचों की 8 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट झटके हैं। पर तब से लेकर अब तक स्टोक्स पूरी तरह बदल चुके हैं और अब स्टोक्स इंग्लैंड टीम के मैच विनर बन चुके हैं, जो अपने दम पर टेस्ट मैच निकाल सकते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं मोइन अली। इंग्लैंड टीम के दूसरे ऑलराउंडर मोइन अली भी साल 2016 में टीम इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान बल्ले और गेंद दोनों से ही उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। 5 टेस्ट की 9 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 42.33 के औसत से मोइन अली ने बनाए हैं 381 रन। वहीं 5 टेस्ट की 8 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 10 विकेट झटके। मोइन अली ये भी चाहेंगे कि भारत में स्पिन ट्रैक्स का फायदा उठाएं और 200 टेस्ट विकेट पूरे कर लें। 18 महीनों से टेस्ट क्रिकेट से दूर मोइन अली के नाम 60 टेस्ट मैचों में 181 विकेट हैं। अब बात करते हैं जेम्स एंडरसन की, जो इंग्लैंड की टीम के सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं। एंडरसन ने भारत के अब तक कुल 4 दौरे किए हैं और ये उनके करियर का 5वां दौरा है। वो साल 2006 से 2021 तक दौरा करने वाले इस टीम के इकलौते खिलाड़ी हैं। इस दौरान एंडरसन ने भारत में 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं। 10 टेस्ट की 18 पारियों में गेंदबाजी करते हुए एंडरसन ने झटके हैं 26 विकेट। साल 2016 में जब एंडरसन ने भारत का दौरा किया, तब उन्होंने 3 टेस्ट में महज 4 विकेट लिए थे। एंडरसन के सामने ये चुनौती होगी कि कैसे वो अपने आप को भारतीय पिचों पर साबित करते हैं। 5वें और आखिरी खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर। भारतीय जमीन पर पहली बार जोफ्रा टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आ सकते हैं। जोफ्रा ने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 2019 में ऑस्ट्रेलिया के सामने एशेज में की थी और वहीं से उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि उनके अंदर रेड बॉल में भी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देने का मादा है। जोफ्रा ने अब तक 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इन 11 टेस्ट की 21 पारियों में उन्होंने झटके हैं 38 विकेट। साफ है कि जोफ्रा की रफ्तार भारतीय बल्लेबाजों को भी परेशान करेगी। अब बस इंतजार है 5 फरवरी का, जब टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हो, और ये टेस्ट अपने आप में ही खास होगा क्योंकि कोरोना काल के चलते लंबे अरसे के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।